यूपी के फर्रुखाबाद जिले में सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में अभी तक स्वेटर वितरित नहीं किए गए। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को सर्दी में मुफ्त स्वेटर दिए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले को करीब 3.80 करोड़ का बजट मंजूर किया था। 31 अक्टूबर तक स्वेटर की खरीद कर बांटने के आदेश थे, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जिले में एक भी स्वेटर की खरीद अब तक नहीं हो सकी। अधिकारी गोलमोल जवाब देकर बचने में लगे हैं। जिले के 1855 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.90 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। प्रति बच्चा एक स्वेटर दिया जाना है, जिसकी कीमत 200 रुपए है। अगस्त में शासन ने आदेश दिए थे कि जेम पोर्टल पर टेंडर डलवा कर स्वेटरों की खरीद करवाई जाए और सर्दी शुरू होने से पहले स्वेटर बांट दिए जाए। जिम पोर्टल पर टेंडर प्रक्रिया शुरू होने में ही बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब एक पखवाड़ा से ज्यादा का वक्त लगा दिया। अपने चहेतों को टेंडर दिलवाए जाने के लिए अधिकारी साठगांठ में लगे रहे। करीब एक पखवाड़ा पहले लखनऊ की एक संस्था को टेंडर मिला। टेंडर मिलने के बावजूद अभी तक जिले में एक भी स्वेटर की आपूर्ति न हो सकी, जिसके चलते निर्धारित समय पर छात्रों को स्वेटर न दिए जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि 3-4 दिन में स्वेटरों की पहली खेप जिले में आएगी, जिसके बाद स्वेटरों का वितरण किया जाएगा। वहीं एक बेसिक शिक्षिका ने बताया कि अभी विद्यालयों को स्वेटर उपलब्ध नहीं कराए गए। पिछली बार भी लेट स्वेटर विद्यालयों को प्राप्त हुए थे, अभी भी स्वेटर विद्यालय को प्राप्त न हो सके हैं। वहीं एक दूसरे शिक्षिका से बात की गई, उन्होंने बताया कि पिछली बार भी स्वेटर लेट आए, इस बार अक्टूबर महीना बीत जाने के बाद भी स्वेटर विद्यालयों को उपलब्ध नहीं कराए गए। जैसे भी कोई सूचना मिलती है आपको सूचना दी जाएगी। प्रभारी बीएसए पद पर तैनात वागीश गोयल ने बताया कि जिम पोर्टल की लापरवाही से विलंब हुआ है, दिवाली तक स्वेटर वितरित कर दिए जाएंगे। मैडम स्वेटर आ गए, अक्टूबर खत्म हो गया है, सर्दी शुरू हो गई है। नहीं सर, अभी स्वेटर नहीं आया है और अभी सूचना भी कुछ ऐसी नहीं मिली है आने की। पिछली बार समय से आए थे स्वेटर? पिछली बार हाँ थोड़ा लेट हो गए थे, आए थे स्वेटर। इस बार अभी नहीं आए? इस बार अभी तो नहीं आए, अभी सूचना भी नहीं कुछ है स्वेटर के बारे में। जैसे कुछ होगा तो वो तो फिर जाएगा। स्वेटर जो है 31 अक्टूबर तक बांटने थे सर, अभी नहीं बटे हैं, किसकी लापरवाही है और क्या कारण है? दरअसल शासन की ओर से 31 अक्टूबर तक स्वेटर वितरण के निर्देश थे, लेकिन जो हमारी खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से होती है तो जेम पोर्टल की प्रोसेस तो इतनी लेंदी है कि उसमें ही हम लोगों को टाइम काफी लग गया और पूरा प्रोसेस पूरा करते करते हम लोग 9 अक्टूबर को अपना क्रय आदेश जारी कर पाए, और जिसके क्रम में हमें 3 नवंबर तक हमारे पास 1,67,000 के सापेक्ष 55,000 की आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है, और जल्दी सत्यापन पूरा करा के और विद्यालयों में बच्चों को स्वेटर वितरण कराए जाएंगे। तो सर सर्दी शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है? हाँ थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन अब इसको जल्दी ही मतलब दिवाली तक पूरा कर लेंगे इसे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।